भारी सवाल का मतलब थोड़ा सा टफ है, ये वाला करते हैं हम। प्रॉफिट कौन सा दे रखा है आपको? अरे ये प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दे रखा है फाइनेंस में, ये तो अभी बाद में करेंगे, अभी तो कर ही लिया। हम ऐसा टाइप का सवाल ढूंढते हैं। क्या बात कर रहे हो, क्वेश्चन ही खत्म हमारा। चलिए कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे। ये वाला तो बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे एक और सवाल। क्या है ये? चलिए कोई बात नहीं, हम एक सवाल करेंगे और चिंता ना करें, आपको वो सवाल दिखेगा नहीं। ये लीजिए, यही सवाल करते हैं अभी, क्योंकि वो सवाल है नहीं मेरे पास स्लाइड में। ठीक है, एक सवाल आपके सामने है, जो सीखा है हमने अभी उसको करने वाले हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को दोनों पार्ट से पूछा गया है। इस सवाल को बोला गया कि आपको हम बता देते हैं कि फाइनेंस का प्रॉफिट क्या है। आपको बता दिया गया है कि फाइनेंस का प्रॉफिट क्या है। सर अगर फाइनेंस का प्रॉफिट हमें बता दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में फाइनेंस को बेस मानेंगे। हालांकि यहां पे ना कॉस्ट का भी प्रॉफिट बताया है, लेकिन हम इसको नहीं देख रहे, इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आंसर निकालते टाइम पे चेक करेंगे। चलिए फिर, जब इतना पता ही चल गया है, तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट ही कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। चलिए एक एडजस्टमेंट है बस। मैंने लिखा प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, और सर प्रॉफिट एज पर फाइनेंस 18,550 रुपये। चलिए, कहता है डायरेक्टर फी चार्ज इन द नॉट चार्ज इन द कॉस्ट अकाउंट। सबसे पहले तो ये तय करिए कि डायरेक्टर फी होता क्या है, खर्चा है। तो ये खर्चा हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाया, तो खर्चा कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं दिखाया तो मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सर, डायरेक्टर फी सर कितने रुपए प्लस हो जाएगा, 1,050 रुपए। अब आ जाते हैं अगले पे, बैंक सॉरी प्रोविजन पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कहां दिखाया गया होगा, दिमाग लगाओ, फाइनेंस में दिखाया गया होगा, कॉस्ट में तो नहीं दिखाया। हम सोच किसके बारे में रहे, कॉस्ट के बारे में। तो प्रोविजन फॉर डेटर तो सर प्लस हो जाएगा 970 रुपए। अब प्रोविजन फॉर टैक्स सॉरी बैंक इंटरेस्ट, सर बैंक से जो ब्याज मिला ना, उसे हमने कॉस्ट में नहीं दिखाया, लेकिन फाइनेंस में दिखा रखा है। सर कॉस्ट में ये तो इनकम था, कॉस्ट में नहीं दिखाया तो इनकम पे फर्क पड़ेगा, इनकम क्या होगा, कम हो जाएगा, तो माइनस का 30 रुपए। इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स आता है फाइनेंस में, फाइनेंस में आ जाता है, कॉस्ट में कभी नहीं दिखाते, कॉस्ट में नहीं दिखाते तो कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ जाएगा,
तो प्लस कर देंगे किससे, 8300 ओवर रिकवरी ओवर हेड, ओवर रिकवर यानी ज्यादा खर्चा दिखा दिया कॉस्टिंग में, तो हमारा माइनस हो जाएगा 180 रुपये। चलिए टैली कर लेते हैं फटाफट, टैली कर लेते हैं फटाफट। 18 28 माइनस 30 माइनस 180, तो ये आ गया 28 660, ये आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। अब कुछ बच्चे हो सकता है मे बी कंपेयर करें, जो हमने पहले इधर हटा दिया इस सवाल को और इस सवाल को कंपेयर करें, तो ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बस कुछ फर्क तो है ही नहीं, जो हम वहां करते थे उसका अपोजिट कर देते थे, तो ये बिल्कुल भी ना सोचे आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करें। अगर आप सोचोगे ना तो एक कॉस में ये होता था उसमें उल्टा हो जाता था, तो सिर्फ आपको उल्टा याद रहेगा और ये याद नहीं रहेगा किसका मान के किसका उल्टा कर रहे हो, सिर्फ आपको पता रहेगा कि उल्टा करते थे। अब भाई कॉस्ट वाले में उल्टा करते थे मान के या फाइनेंस वाले में, तो आप उल्टा हो जाओगे एग्जाम में। तो इससे बढ़िया आपको क्या करना है, हर किसी को इंडिविजुअली तरीके से सोचना है कि बेस अगर कॉस्ट शीट को माना है तो हम किसके बारे में सोचेंगे सर, हम सोचेंगे फाइनेंस के बारे में, अगर बेस फाइनेंस को माना है तो कॉस्ट के बारे में सोचना है, ये सोच के चलिएगा ठीक है। रिकंसिलेशन की कितनी क्लास फ्राइडे को टेस्ट है, फ्राइडे तक क्या आज की क्लास में ही आप सारे रिकंसिलेशन के क्वेश्चन करने के कैपेबल हो जाओगे, तो टेस्ट तो आप दे ही सकते हो फ्राइडे को।